यार ये कुछ लोग इतने रोतलू क्यों होते हैं? हर बार बस एक ही बात पे रोना, क्यों? हाँ, मैं आपकी और मेरी ही बात कर रहा हूँ। चलिए हमारी बात करते हैं, आज जरा बात बात पे रोने की बात करते हैं, बस यूं ही। हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ, यानी कि रमता जोगी वशिष्ठ, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का 12 AM थॉट्स का जो वीडियो है वो एक हार्ड हिटिंग फैक्ट भी है और एक कहानी भी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है या फिर हैशटैग रिलेटेबल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो के लाइक का जो टारगेट है वो इस बार रखते हैं 10,000। मेरा एक दोस्त है कि जो जब भी मिलता है बस एक ही सवाल को लेके रोता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भाई साहब, जिंदगी बर्बाद हो गई एंड ऑल दोज थिंग्स। जबकि उसको पता है कि उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, उसके ऊपर वो काम कभी नहीं करेगा, बस रोता रहेगा। और उसको मजा तब आता है जब उसको सुनने वाले ज्यादा लोग मिलते हैं। अब उसको इंसान एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, मे बी तीन बार सुनेगा, पर उसके बाद तो बोर हो जाएगा ना। तो ये जब जब होता रहा ना, तो एक एक करते करते उसके अच्छे वाले सुनने वाले लोग जिंदगी में से गुम हो गए और उसको एक और रीजन मिल गया रोने का, क्या मुझे कोई सुनता भी नहीं है। अब वो मेरे ऊपर ना आए उससे पहले मैंने सोचा कि उसको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव है, गांव में एक चचा है। अब चचा की जितनी वाइट दाढ़ी है ना, उतनी ही उनकी विजडम है। उनके साथ लोग आते हैं, उनके साथ बात करते हैं और अपने दुखड़े शेयर करते हैं। तो हर शाम का एक ही सीन कि गांव के जितने भी लोग हैं वो चचा के पास आए, बातें करें और फिर निकले। एक बार चचा ने ये रियलाइज किया कि यार बारी बारी लोग एक ही बात पे रोते रहते हैं, हर बार एक ही बात, ऐसा कैसे? तो उन्होंने सोचा कि ये अगर चलता रहा तो मैं ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाऊंगा, सो इट्स बेटर कि मैं उनको एक चुटकुला सुनाऊं, यानी कि जोक। तो चचा ने एक बड़ा ही मजेदार जोक उनको सुनाया। जब पहली बार सुनाया लोग क्या हंसे, दूसरे दिन वही जोक फिर से सुनाया, हंसे पर काफी कम लोग। तीसरा दिन वही जोक उन्हीं लोगों को फिर से सुनाया जिसमें से कोई नहीं हंसा, क्यों? क्योंकि ये एक बार सुन लिया था। तो चचा ने एक ही बात पूछी कि अगर मेरे इतने मजेदार जोक पे भी आप तीसरी बार में ही बोर हो गए तो जरा सोचो कि तुम ये जो बारी बारी अपने एक ही दुखड़े को दोहराते रहते हो, उसे मेरी तो ठीक है पर तुम्हारी अंदर की जो आत्मा है वो कितनी बोर हो जाती होगी, उसको भी कंटाला आता होगा ना कि यार ये क्या हो रहा है। तो बंद करो ना, अगर हंस नहीं पाते हो तो रोना कैसे पसंद कर रहे हो बारी बारी एक ही रीजन पे? देर आर लॉट ऑफ रीजन्स, उसके ऊपर रो। चाचा का कहने का मतलब ये था कि सोचो सोचो कि बारी बारी तुम एक ही प्रॉब्लम पे क्यों अटके हुए हो। क्या इसीलिए कि सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या फिर इसीलिए कि उस सोल्यूशन पे कुछ काम नहीं हो रहा है, या फिर इसीलिए कि काम तो हो रहा है पर कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है, या फिर इसीलिए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन कि उस दुखड़े सुनाने की और रोते रहने की आदत सी हो गई है क्योंकि आपको सुनने वाले बहुत है। रीजन क्या है? मुद्दा बड़ा सिंपल है, सिंपथी लेना दुखड़े सुना के पहली बार में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मुझे कोई सिंपथी दे रहा है, पर उसके बाद जब उसी चीज़ की आदत लग जाती है ना तो रोते रहने की भी आदत लग जाती है और वो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बन जाती है जो हमें नहीं करना है। रो, उसमें कोई बात नहीं है, पर एक ही रीज़न पे नहीं, डिफरेंट रीजन्स पे। यू नेवर नो कि ऐसे अलग अलग रीजन्स में कहीं ना कहीं रोते रोते आपको हंसने के भी बहुत सारे कारण मिल जाएंगे, जिंदगी के दुख के मारण मिल जाएंगे। Just think about it. All right, that's it from my side. Thank you so much for watching this video. Video बंद करो उससे पहले छोटा सा सवाल, और आपको पता ही है कैसा सवाल होगा। कौन सा वो कारण है या फिर कौन सी वो घटना है जिंदगी की जिसको लेके आप बारी बारी रोते रहते हो या फिर वो दुखड़े मुखड़े पे लाते रहते हो, वो क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखो। पता है क्यों? चलो मैं जानना चाहता हूँ, वो तो आपको पता ही है, हैशटैग क्यूरियोसिटी है, वो भी आपको पता है, पर जब आप लिखोगे ना तो आपको भी रियलाइज होगा कि हाँ यार ये एक चीज है। इट्स लाइक टॉकिंग टू योर सेल्फ एंड देन कन्फेसिंग इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ, वो बहुत जरूरी है। तो वो करो पहले अपने आप के साथ, और उसके बाद मुझे बताओ कि वो कौन सी बात है जो आप रोकना चाहते हो, आप रोना नहीं चाहते हो। सोचो और कमेंट बॉक्स में लिखो। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।